मुख्तार मुस्कुराए नहीं करबला के इसके तीन चार शेर मेरे अगर याद आ गए तो मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। सलावत भेजो वाले एक और सलावत भेजो मिसरे क्योंकि ममदू की शान में है अगर मिल जाए तो बेहतर है। जालिम से हंस के हजरत मुख्तार ने कहा, जालिम से हंस के हजरत मुख्तार ने कहा, मारेगा कौन मुझको अली की दुआ के बाद, मारेगा कौन मुझको अली की दुआ के बाद, महशर की धूप छाव के मानिंद हो गई, महशर की धूप छाव के मानिंद हो गई, अब्बास के अलम तेरी ठंडी हवा के बाद, अब्बास के अलम तेरी ठंडी हवा के बाद, और जब तक न दे सके लबे सज्जाद को हंसी, जब तक न दे सके लबे सज्जाद को हंसी, मुख्तार मुस्कुराए नहीं कर बना के बाद, सज्जाद को हंसी मुख्तार मुस्कुराए नहीं करबला के बाद। और महशर में अंबिया का बड़ा एहतराम है, महशर में अंबिया का बड़ा एहतराम है, बैठे में सारे लोग मगर सैयदा के लेकिन वो अरमान भाई का हुक्म है, बस दो ही तीन शब्द मजा आ रहा है। नहीं नहीं मुझे ख्याल है मुझे आसिफ भाई आप सुबह से ड्यूटी से थे, मैं खाने खाके चलाऊं आप सुन करो समाज फरमाए। अभी शमी भाई माशाल्लाह पढ़ रहे थे और देखिए हालात हाजरा पे, इसको शायद मैं मजलिस में भी पढ़ता हूँ तीन चार शेरों को और बहुत आसान से है, आप समाज फरमाए। भाई भाई करबला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे दीदारों को, भला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को। और यहां से शेर समाप्त फरमाए, और जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, जो सऊदी है की तरह, करबला छुपने नहीं देती है मकारों, करबला छुपने नहीं देती है मकारों को। और जिस शेर को मैं असीदे में पढ़ता हूँ वो समझ पाऊंगा। आ गए शाम में इस तरह हसन नसरुल्ला, आ गए शाम में इस तरह हसन नसरुल्ला, आ गए शाम में इस तरह हसन नसरुल्ला, नींद अब आती नहीं नजद के सरदारों, नींद अब आती नहीं नजद के सरदारों को, नारे है दर करार वो पैमाना है जिसे हम लोग परख लेते हैं दरदारों, और फर्क इतना है के शोलों को वो भड़का,
देते हैं अंगार और हम लोग उछल देते हैं अंगारों को, ये करम उनका है वो करबो बला बुलवाए। बस आपने शेर से बात ये करम उनका है वो करबो बला बुलवाए। ये करम उनका है वो करबो बला बुलवाए, वरना जन्नत कहाँ पूछे है गुनहगार, समझती है समझदारों को अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को। आइए दुआ करते हैं इस मासूम के सदके, इस इमाम के सदके में जिसने इतने सजदे किए कि कायनात को सैयदुस साजदीन कहना पड़ा, कायनात को सैयदुल आलमीन कहना पड़ा। मौला तुझे उस अल्लाह तुझे उस इमाम की वलादत का वास्ता, तेरी बारगाह में जो इमाम का कसीदा सुनने के लिए आए, इमाम के शार पढ़ने के लिए आए, उन सब के लिए हाजतों को कबूल फरमा, उनके लिए तमन्नाओं को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह मौला सच्चार के वास्ता हमारी कौम में जो बेनमाजी है उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता, मेरे अल्लाह मौला सच्चार की बीमारी का वास्ता जो बीमार है उन्हें सेहत कामिल, जो बे औलाद है उन्हें सहले औलाद, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, जो बेरिस्क है उन्हें हलाल रिस्क अता फरमा, जो परदेश में है साथ है मिल्क वतन, जो बेजुर्म गैर है उन्हें रिहा, जहां के शियाले है दर करार है उनकी जानो माल की हिफाजत, खुसूसन हमारे मजार मुकद्दसा की हिफाजत, और खुसूसन पाकिस्तान अफगानिस्तान बहरैन शाम इराक कायनात में जहां भी शियाओं को जुल्म हो रहा है उनकी हिफाजत, जालिम को रिश्त नाबूद कर दे, परचम सलाम को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारा कोई वारिस नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है, हर तरफ से हम पे जुल्म की अलगार है। शहजादी ज़ैनब का रोजा रोता है, शहजादी सकीना का ज़ायरीन के रोजा तड़पता है। ऐ मेरे अल्लाह तू वारिस सकीना, वारिस ज़ैनब, वारिस ज़हरा, वारिस हुसैन, और हम गुनहगारों के हकीकी हादी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीन, हम सब का शुमार उनके हकीकी रावान अंसार में फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। फिर मैं एक मरतबा आप सभी मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी शोहरा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला इन सब की तौफीकात में और इजाफा फरमाए और आपकी समाज में भी इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है अगले बरस फिर हम ये जश्न करेंगे। मौला सबको तूले हयात अता फरमाए। आप सबको